एडोल्फ हिटलर का चार्ट जी 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 अभी यहाँ पे देखिए, ये जो चार्ट आप देखेंगे इसमें बहुत चैलेंज है। बाप रे, इसमें देखिए सबसे ताकतवर ग्रह कौन सा है। यहाँ पे महापुरुष योग एक ही है, वो रुचक महापुरुष योग जो मंगल बना रहा है क्योंकि वो मेष राशि में है और सूर्य भी इसके साथ है। तो बोलते हैं कि राजा और उसका जो सेनापति साथ में बिल्कुल तो ये इनका प्रमुख चीज होगा और हिटलर इसी की वजह से जाना जाता है, फॉर ब्रूटैलिटी एंड फॉर वायलेंस। अभी आप देखिए यहाँ में गुरु कहाँ है अभी ट्राइन लोग बोलेंगे ओ गुरु तो ये अपने राशि में है, बहुत ताकतवर होगा ना, मंगल को एस्पेक्ट भी डाल रहा है। जनरली लोग क्या कहते हैं कि गुरु अगर मंगल पे दृष्टि डाले तो उसका जो वायलेंस है वो कम हो जाता है। लोग कहते हैं कि नहीं, वैसे कहते हैं ना, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल कहते हैं कि अगर गुरु का दृष्टि सातवें घर में पड़े हाँ और जी अगर मंगल भी सातवें घर को देख रहा है तो मांगलिक दोष का जो इफेक्ट है वो काफी कम हो जाता है। कैंसल हो जाता है लोगों का ऐसे कईयों का हाँ, बिलीव है या बिल्कुल कहते हैं कि कम हो जाता है, या कहते हैं कि वो होगा लेकिन आदमी गुरु टाइप भी होता है, मतलब फॉरगिवनेस भी होता है उसमें। लेकिन यहाँ में देखिए क्या हो रहा है, गुरु जो है वो टोटली बाहर है केंद्र से ठीक है। और जैसे नक्षत्र भी हम देखते हैं, चंद्र जो है ना वो दशमेश भी है, तुला लग्न में दशमेश भी होता है, तो पूर्वाषाढ़ा में है और पूर्वाषाढ़ा हम सब जानते ही है ना, युद्ध का जो डिक्लेरेशन करने का है। वो मैं उसी दिन वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, कोई कुछ भी बोले उनको एक ही काम करना है, हिटलर को पेरिस में युद्ध डिक्लेयर करो, चेकोस्लोवाकिया में डिक्लेयर करो, यहाँ रशिया रशिया में भी युद्ध डिक्लेयर करो। तो देख रहा है ना, तो दशमेश है मतलब परम के इनका जो काम है वो वहां जा रहा है। और यहाँ में देखिए जो शनि इनका जो चतुर्थ भाव का स्वामी है ना, वो अपने घर को देख रहा है, तो इसके वजह से इनकी जो पैदाइश हुई थी वो ऑस्ट्रिया में हुई थी। हाँ, तो क्योंकि पाप ग्रह उसको देख रहा है ना, तो ये इनको दूसरे कंट्री में जाना पड़ा। और यहाँ में देखिए, यहाँ में दसवें घर में है तो बहुत शक्तिशाली है शनि ठीक है, और मंगल को अपोज भी कर रहा है, बहुत अच्छे से अपोज कर रहा है और एक दूसरे पे दृष्टि भी डाले हुए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल इसके वजह से इनका जो जिंदगी है बहुत बहुत मुश्किल गया है ये जिंदगी, अगर मैं देखूंगा। लेकिन सवाल ये नहीं कि मुश्किल गया है कि इजी गया है, सवाल ये है कि दोनों में से ज्यादा प्रवीण कौन होगा। तो आंसर है कि मंगल, क्योंकि वो राशि वाइज ज्यादा ताकतवर है और महापुरुष योग में भी है और सूर्य के साथ है ना, तो ऐसा बोल सकते हैं आप। और देखिए ये बुध जो है इनका, बुध सप्तम है तो ये दिग्बल के उल्टा में है, उसको दिक् शून्य बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो ये दर्शाता है जब गुरु या बुध किसी के साथ में हो तो ये दर्शा सकता है कि आप कोई तो एक ऐसा डिसीजन लोगे जिंदगी में जो आपको बर्बाद करके रख देगा। और आई यहाँ में वो सॉरी कहते आप एक बार इसको दोबारा रिपीट करेंगे, बीच में वो थोड़ा वॉइस क्रैक हुआ था आपका, क्या कहा हाँ, आपने? मैंने कहा कि अगर किसी का भी बुध या गुरु सातवें में हो जो दिक् शून्य पोजीशन होता दिग्बल है, ही नोच गया। हाँ हाँ, तो कहते हैं कि जिंदगी में वो एक ऐसा डिसीजन लेगा ना जिसके वजह से उसको बहुत रोना अच्छा। पड़ेगा। और हिटलर के केस में भी वो है, बिल्कुल और सबको बिल्कुल पता है वो क्या था ना, वो रशिया को अटैक कर दिया अटैक करना था जो पीछे से। स्टालिनग्राद, और उसके जो जनरल्स है, उसके जो सबोर्डिनेट्स है ना, उन्होंने इनको सजेस्ट किया था। सबोर्डिनेट कौन दर्शाता है? शनि। शनि ने सजेस्ट किया था कि मत जाइए, देख रहा है ऑपोजिशन हो रहा है, उनको मना किया था, लेकिन इन्होंने सुना शनि का नहीं, क्योंकि मंगल बोला हम तो मारेंगे। हाँ वहां से रशिया में भी वही हुआ, जोसेफ स्टालिन ने बोला अपने सेना को कि जो भी लौटेगा बिना मारे उसको मैं यहाँ खुद बंदूक लेके मारूंगा। तो यहाँ या तो वहां रह के मर या तो यहाँ आके मर, मरना तुझे है ही। बिल्कुल उसने रेड आर्मी को ये हुक्म दे दिया स्टालिन ने, तो अब क्या करे।
और उसके बाद एक के बाद एक हार 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 ही हो रहा है हिटलर का। और उसके बाद वो दिन आ गया कि जब रेड आर्मी 100 किलोमीटर दूर थी, उसको करना पड़ा सुसाइड। तो ये देख रहा है, ये बुध का जो दिक शून्य है उसके वजह से हुआ ही। ये यहाँ में हम देख सकते हैं शनि का जो अपोजिशन, और आप डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे ना हिटलर पे, तो ये बार बार आपको देखने को मिलेगा कि उसके जनरल्स ने उसको बार बार सजेस्ट किया था कि ये मत करो मत करो मत करो, जो टिपिकल शनि है ना। और यहाँ में देखिए जनरल से वो काम करवा रहा है ना, तो मतलब सबोर्डिनेट्स इज इन द 10th हाउस शनि, मतलब क्या है, उसके जो सबोर्डिनेट्स है वो लोग उनको उसको सारा युद्ध तो उन्होंने ही जीता है ना, बिल्कुल। ये तो बैठ के वो हुकुम देता रहता था, बट अल्टीमेटली इसको जिताया किसने, इसके सबोर्डिनेट्स ने, जो शनि है, देख रहे ना, इसके जो जनरल्स है, फील्ड मार्शल जो सब है, तो वही है। लेकिन इन्होंने अपोज भी किया एक जगह पे जब बुध का बात आया, और इन्होंने बात नहीं सुनी क्योंकि मंगल बोल रहा है नहीं मारो भूल जाओ सब, तुम जीतोगे। तो इसके बाद मैं जाऊंगा, हाँ ये इंदिरा गांधी का चार्ट है जी, इंदिरा गांधी का ही है हाँ। तो यहाँ पे भी देखिए इनका जो शनि है वो भी लगन में है, बिल्कुल, और इनका जो सूर्य है ये भी अपोज नहीं कर रहा है उसको। और अभी शनि को एक और ग्रह काइंड ऑफ अपोज नहीं बोलूंगा मैं, मतलब फोकस चेंज हो रहा था, शुक्र अगर केंद्र में रहे तो, क्योंकि तब आदमी भोग विलास बोलता है कि मैं वो भी करूंगा ना मैं ये भी करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ में देखिए शुक्र भी बाहर है केंद्र से, हाँ, तो उसके वजह से ये इनका जो मैरिड लाइफ है उनके बारे में भी हम सब जानते, तो ये जब इनका वो था ना कि काम करना है बस ना, हम काम करेंगे और फिर वैसे ही हम आगे जाएंगे, तो इनका वो जो है वो बहुत प्रोमिनेंट था। लेकिन अगर शुक्र केंद्र में हो जाता ना तब दिक्कत आ जाती, दिक्कत नहीं आती मैं कहता हूँ, तो उनका वो होता ना, अरे इतना क्यों काम करे, थोड़ा घर में भी रहो ना यार, घर वाल बसाओ। हाँ, वही फोकस आप वाली बात की, दो फोकस हो जाते और जिस वजह से ग्रोथ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता। हाँ, तब वो शायद प्राइम मिनिस्टर फिर भी बनती शायद, लेकिन वो इंदिरा गांधी नहीं बन सकती थी। हाँ। समझ है ना, वो जो मुझे नहीं पता बट मैंने सुना हाल ही में कुछ किसी ने उनको टाइटल दिया ना दुर्गा या काली का कुछ, हाँ, ऐसा हाँ। ऐसे मारी थी ना, लेकिन वो नहीं हो सकता, समझ रहे, क्योंकि तब उनका फोकस और हो जाता ना, नेसेसरीली वो ऑपोजिशन नहीं है बट टाइम तो फिर भी खाएगा ना उनका। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ये है फिर, आप देखिए ये चार्ट। ये है जय ललिता का चार्ट, ठीक है। अब यहाँ में संकट आ जाता है, अब यहाँ में देखिए दो ग्रह बहुत शक्तिशाली है, एक गुरु है और दूसरा शुक्र है, लेकिन अब जब कंफ्यूजन होता है, और देखिए दोनों दिक शून्य में, क्योंकि दोनों दिग्बल के ऑपोजिट में है, बिल्कुल ठीक है, तो दोनों के रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे इनको, पर अभी देखते कि प्रोमिनेंस किसका रहेगा। अब देखिए इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है, वो शुक्र है क्योंकि वो उच्च का है, मतलब गुरु तो मूल त्रिकोण में ना, लेकिन शुक्र उच्च का है, तो उच्च का जो डोमिनेशन होगा केंद्र में वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, ठीक है। लेकिन अब ये गुरु छोड़ेगा नहीं इसको, समझ रहे ना, मतलब गुरु विल ऑल्सो ट्राई कि मैं भी इसके जीवन में ना स्पेस ऑक्यूपाई करूं, इसका टाइम खाऊं मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सपोज ये आदमी आपके, ये लेडी आपके पास आती ये चार्ट लेके, तो उनको एक बहुत सीरियस वार्निंग देना पड़ेगा आपको कि मैडम आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कैमरा लाइमलाइट मूवीज के साइड जाइए, या तो आप धर्म आध्यात्म की तरफ जाइए, जी दो जगह आप नहीं रह सकते। और अगर वो पूछी कि ओ तो दोनों में से मुझे किस साइड जाना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, शुक्र, क्योंकि वो उच्च का है, बिल्कुल, समझ है ना। और जहां तक मुझे पता है इनका तो कोई ऐसा है नहीं ना कि वो तीर्थ स्थल में जाके उसने ये किया था वो किया था, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं सुना है कुछ उनका बहुत स्पिरिचुअल ऐसा कुछ है, मतलब वो शायद होगा उनके अपने में, बट
वो उन्होंने अपने जिंदगी में उसको प्रायोरिटी नहीं दिया। हाँ देख रहा है, उसके वजह से वो ये बनी ना। देखियो शुक्र 10th हाउस में एग्जॉल्टेड, एक टाइम पे लोग मरते थे। हाँ, हाँ एक्ट्रेस थी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं खुद साउथ में रहा हूँ ना 5 साल 4.5 साल, तो मैं जानता हूँ ये क्या है अच्छा उधर। जी, हाँ, खैर। मैं जानता हूँ इनका कि ये चार्ट का क्या मतलब है, मुझे पता है ना। लेकिन उनको बोलना पड़ेगा आपको कि ये तब, अभी देखिए ये ऑपोजिशन हो गया, तो इसमें आदमी को साइड लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जब साइड ले लेगा आदमी तो ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि गुरु ऑल दो बलवान है, लेकिन शुक्र ज्यादा बलवान है। समस्या तब हाँ आता जब दोनों सेम बलवान होता, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन यहाँ में बिल्कुल। शुक्र रिलेटिवली ज्यादा बलवान है। मतलब कि जब ये अपने शुक्र के साइड में जाएगी तो हाँ गुरु विल बी डिफीटेड। तो देख रहे, ये आपको वैसे सजेस्ट करना पड़ेगा। और इसमें नहीं बाकी बाकी सारा चीज भी। हाँ बोलिए। नहीं मैं क्या कहना चाह रहा था कि जैसे अगर ऐसे केस में जहां पर हमारे पास दो अलग अलग प्लैनेट इक्वल स्ट्रेंथ के हो, तो हाँ यहाँ हमें ऑप्ट करते वक्त क्या हमें ये देखना चाहिए कि क्या उन दोनों में से कौन अच्छी लॉर्डशिप ओन कर रहा है। जैसे मैं अगर यहाँ बात करूं कि मुझे यहाँ पंचमेश शुक्र नजर आता है करेक्ट। और फिफ्थ लॉर्ड है, ट्वेल्थ लॉर्ड है, लगन लॉर्ड का फ्रेंड है, प्लस वो एग्जॉल्टेड भी है, तो देखिए, ये कहना आसान हो जाएगा कि यार ये शुक्र को चुनो, ठीक है, वो तुम्हारे लिए अच्छा है। पर कई कुंडलियों में, जैसे आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, कि मान हाँ लीजिए शनि कर्क लगन में एग्जॉल्टेड है अपना इसमें 4th हाउस में, हाँ और वहां मंगल भी एग्जॉल्टेड है 7th हाउस में, तो ऐसे केस में हमें मंगल ऑप्ट करना चाहिए, शनि को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि शनि वो जो है हमारे पास वो ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ में मंगल शनि से ज्यादा ताकतवर है, तो अल्टीमेटली वो कुचलेगा शनि को। तो हमें ये बताना होगा उसको कि शनि को कैसे वीक करो या मंगल को को कैसे कैसे स्ट्रॉन्ग करो। स्ट्रॉन्ग वो मंत्रास या कोई रतन पहना के या कोई पूजा पाठ वैसा करवा के, क्योंकि जी बहुत रेयरली ही ऐसा होगा कि अब वो कर्क लगन, वो चरण लगन में हो सकता है कि गुरु मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं दोनों उच्च के, है ना। बिल्कुल तो तब आपको देखना पड़ेगा कि हाउस वाइज कौन ताकतवर है। जैसा लॉर्ड राम के केस में था, दोनों साइन वाइज इक्वली ताकतवर है, लेकिन हाउस हाँ वाइज गुरु ज्यादा ताकतवर है। बिल्कुल, तो दिग्बल देन मिल यू गया वुड उसको। हाँ तो देन यू वुड से कि हाँ तो देन यू वुड से कि गुरु के राह पे चलो। और रहा सवाल ये चार्ट का, तो यहाँ पे तो बड़ा क्लियर दिख रहा है कि हाँ शुक्र यार शुक्र ज्यादा ताकतवर है यहाँ से, ऑल्दो बिल्कुल। गुरु भी कम ताकतवर नहीं है। लेकिन यहाँ पे इट्स लाइक अ काइंड ऑफ बोल सकते हैं बाइनरी आंसर, एक तरफा आंसर दे ही सकते हैं इनको। और साथ में वार्निंग भी दे देना कि आपको जो भी स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड जो भी करना है ना, अपने अंदर घर में रख के करो, ज्यादा बाहरी स्तर पे ना उसका दिखावा मत करो। फिर आपका क्या पता कुछ ऐसा हो जाए ना, कुछ गुरु के साथ कुछ अनबन हो गया, और उनका हुआ भी था ना शंकराचार्य के साथ कुछ ऐसा उनका हुआ भी था, जी देयर वाज सम इश्यू। ये काम किया है आप। तो ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, लेकिन जब ये पूरी तरह से शुक्र के पास जाएंगे ना, तब गुरु कोशिश करेगा लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है। तो उसके बाद मैं मनमोहन सिंह। तो इनके में भी देख रहा है सूर्य जो है उच्च बुध के साथ बैठा है दिग्बल में है, तो ये तो पूरा इट्स लाइक रॉयल रोड। वो इट्स लाइक इंडिया गेट से रायसीना हिल की तरफ जा रहा ना, वैसा है एकदम, सही नहीं। बात है जी। यहाँ पे देखिए ये शनि फिर से बाहर है केंद्र से। और यहाँ में बुध बहुत शक्तिशाली है यहाँ, और सूर्य भी, तो ही इज नोन फॉर फाइनेंसेस, और इनका मेन तो वही है प्राइम मिनिस्टर जो भी बोलो, बट ज्यादा इनको जाना जाता है क्योंकि उनका जो दिमाग है ना फाइनेंस और ये सब को रिलेटेड, तो हाँ उसके वजह से इनको ज्यादा जाना जाता है। और अभी यहाँ देखिए शनि और मंगल जो है ना ये ऑपोजिशन में है। जी बिल्कुल लेकिन ये केंद्र से बाहर है, तो
ऑल्दो इनको उन एरियाज पे स्ट्रगल आ सकता है जहां पे भी ये एक्सिस ओपोजिशन में है, लेकिन क्योंकि ये केंद्र से बाहर है, शनि और मंगल का जो एक्सिस है जी, तो उनको वो लाइफ में ज्यादा टाइम नहीं खाएगा इनका, जिसके वजह से इनका एकदम रॉयल रोड रहा है ना, पाकिस्तान में पैदा हुआ है, वहां से आके ना एकदम राजगद्दी में तो बहुत सही है ये, देख रहा है एकदम ऑपोजिशन है ही नहीं, और एकदम जो बुध उच्च का ना एकदम टिपिकल वो जो मर्क्यूरी ना इंटेलिजेंस वही इनका इनको पहचान दिलाने वाला वही था। हाँ, और लग्नेश इनका नवे में है ना, तो दिखाता है कि he will be a very good गुरु, लग्न लॉर्ड नवे में है ना, तो और है भी लगन भी गुरु का ही लगन है तो ये सारा फैक्टर है जो इनको ये दर्शाता है। अब ये नेहरू जी का चार्ट है जी। अब यहाँ में देख रहा है ना, अब ये जो शुक्र महापुरुष योग और चंद्रमा भी दिग्बली में, तो नेहरू जी इनके बारे में तो सब जानते ही है जी। ये चार्ट को मैं यही बंद कर दूंगा यहाँ गुरु की वजह से कोई अपोजिशन नहीं था उसका ना गुरु गुरु लगन वो केंद्र में नहीं था, सत्यानाश हो जाता तब तो एपिक डिजास्टर हो जाता, एकदम बर्बादी हो जाता तब तो ना। गुरु बोलता है, अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, ये अच्छा नहीं है ना। हाँ, अब चार्ट देखना है ना, तो ये देखिए आप, ये पीवीआर नरसिम्हा राव का चार्ट है, एक्स इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ये देखिए आप चार्ट, यहाँ पे फिर से वही अक्षय कुमार जैसा, सूर्य और मंगल जो है महापुरुष योग में, सॉरी ये दोनों दिग्बल में है। हाँ हाँ। और बुध जो है महापुरुष योग बना रहा है, करेक्ट करेक्ट। तो इनके लाइफ का जो एक बहुत प्रोमिनेंट हिस्सा रहेगा, क्योंकि वो लग्नेश भी है और आरूढ़ लग्न से भी ये जो है केंद्र में है बुध, तो इनका एक प्रोमिनेंट हिस्सा रहेगा इनके जीवन का, कि इनको फाइनेंशियल मैटर्स रिलेटेड कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, और अभी देखिए वो किस टाइप का डिसीजन होगा, वो कुछ तोड़ने वाला डिसीजन होगा क्योंकि मंगल है ना साथ में। हाँ। और मंगल को कौन अपोज करेगा, गुरु, देखो कहाँ बैठा है बालवेगर में, वो अपोज कैसे करेगा। तो मतलब ये जब बोलेंगे कि ना मैं चीजों को बदलूंगा, जैसे लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, इन्होंने किया था। और इनका देखिए अष्टमेश जो है ना दसवें घर में है, एथ लॉर्ड इन टेंथ मंगल, तो ये दिखाता है कि उनका जो स्टेटस है, जो उनका नाम है, वो तभी उठेगा जब कोई ट्रेजेडी होगा किसी का। आपने बोला है कि अगर 8th लॉर्ड 10th हाउस तो किसी के डाउनफॉल की वजह से आपका राइज होगा। हाँ, और अभी 8th लॉर्ड इन 10th के हजारों मतलब हो सकते हैं। जैसे जेम्स ब्रहा जी ने ये भी कहा था कि अगर 8th लॉर्ड या 12th लॉर्ड 10th में हो, या 10th लॉर्ड 8th 12th में हो ना, तो करियर में बहुत उतार चढ़ाव होता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं करियर में। लेकिन ये तब घट जाता है जब आप एस्ट्रोलॉजी या योगा या स्पिरिचुअलिटी। हाँ, मैं सुन रहा था उन्हें, मैंने सुना उनको। हाँ, बहुत बढ़िया चीज बोला। क्योंकि तब क्या हो रहा है, आप उस चीज को सेटिस्फाई कर रहे हो ना, तो उसके वजह से वो प्रॉब्लम नहीं देगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसा व्लादिमीर पुतिन का ऐसा मुझे कुंडली याद है, तुला लगन है उनका जो चंद्र है वो अष्टम है, जितना मुझे पता है ना व्लादिमीर पुतिन का, तो उसके वजह से क्या हुआ है, उनका वो सीक्रेसी में थे ना, खुफिया सर्विसेज एजेंसीज वहां आपके किए थे।